किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें, बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। दूसरी बात कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आम जनजीवन को बाधित ना करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान ना हो, एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। सर, आप समाधान की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि किसान के सब पक्ष में है, वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसके भी पक्ष में है, तो यहाँ राजनीति भी बहुत ज्यादा तेज हो गई। लगता है ऐसे माहौल में शांति हो पाएगा? देखे, मैं किसान संगठनों को यही कहूंगा किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगी। किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि असामान्य स्थिति पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।